हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुद्रा जाधव वर्किंग एज अ पोस्ट डॉक्टर फेलो हियर एट डॉक्टर केसी पटेल आरएनडी सेंटर चारूसेट चांगा। वी हैव रिहोमीटर एंटनपा रिहोलैब क्यूसी फ्रॉम जर्मनी इन अवर लैब। इट इज अ रोटेशनल रिहोमीटर। इट कैन मेजर रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। सो बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी कैन बी मेजर्ड अंडर अप्लाइड शीयर। देर आर मेनी मटेरियल्स विच कैन बी कैरेक्टराइज यूजिंग दिस रिहोमीटर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, कॉस्मेटिक्स लाइक क्रीम, लोशन, हेयर जेल, फूड स्टफ लाइक बेबी फूड, चीज स्प्रेड, टोमेटो केचअप्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा। सो ऑल दिस मटेरियल्स कैन बी कैरेक्टराइज यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑफन अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री पीपल। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज अ शीयर थिनिंग मटेरियल। वेन वी अप्लाई शीयर विस्कोसिटी ऑफ टूथपेस्ट रिड्यूसिस। सो द मैन्युफैक्चरर मस्ट बी अवेयर ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ अ टूथपेस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इट इन बल्क। वेन अ कंज्यूमर प्रेस द ट्यूब जेंटली स्मॉल अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट कम आउट। सो इट इज टेकन केयर बाय द रिहोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन। अनदर एग्जाम्पल इज टोमेटो केचअप। टोमेटो केचअप इज ऑल्सो अ शीयर थिनिंग मटेरियल। वेन वी शेक द बॉटल वी आर एक्चुअली अप्लाइंग शीयर एंड विथ शीयर विस्कोसिटी रिड्यूसिस एंड इट कम्स आउट इजिली। सो अगेन इन दिस केस मैन्युफैक्चरर हैव टू ऑप्टिमाइज द राइट विस्कोसिटी, द राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इट इन बल्क। दिस रिहोमीटर कैन मेजर विस्कोसिटी इन द वास्ट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम लिक्विड्स हैविंग विस्कोसिटी इवन लेस देन वाटर अप टू द सेमी सॉलिड लिक्विड्स। Everything in between these two extremes can be measured. Rihollab QC is a rotational rheometer. It can be operated in standalone mode or it can be software controlled. There are two measurement geometries, concentric cylinder and double gap. Viscosity can be measured with applied shear. Quick measurements are also possible. For example, single point check over a flow curve or a yield stress determination. Temperature dependent viscosity measurements are also possible from room temperature to 60 degrees Celsius. Students can learn flow properties of different material using this instrument and how this property vary with shear rate and with temperature that they can study. Students can learn independent handling of the instrument which will be useful for them for future R&D activities, and also it will open job opportunities for them at industries like paint industry, food and petrochemical industries.